वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो ये हमारा जो आज हम कर रहे हुए हैं सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय टेक्योमेट्रिक मेथड। तो ये हमारा सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स का सबसे लास्ट मेथड होता है, ठीक है ना, जो कि हमारा बाय टेक्योमेट्रिक मेथड है, ठीक है ना। तो उसमें हम पता क्या करते हैं, एक हम डिफ्लेक्शन एंगल भी फाइंड करते हैं मोस्टली इसमें, और एक हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकलती है, ठीक है ना। तो ये शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सिविल इनसाइट नहीं सब्सक्राइब करा तो जरूर कर लीजिए, और हमने अपने सारे सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको कोई और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम शुरू करते हैं। देखो जो हमारा टेक्योमेट्रिक मेथड है ना, ये है तो थोड़ा रैंकाइन मेथड जैसा ही, आपने रैंकाइन मेथड पढ़ा होगा तो वो रैंकाइन मेथड जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है देखो अभी हम पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि हमें एक गिवन कर्व है, ठीक है, एक कर्व दिया हमें, तो सबसे पहले हम क्या पता आपको बताइए, हम टेंजेंट बनाएंगे। देखो हम सबसे पहले इस पे एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम प्रोसीजर शुरू करने वाला है कि कैसे डायग्राम बनता है, मतलब कि कैसे हम कर्व बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे टेक्योमेट्रिक मेथड से, ठीक है ना। टेक्योमेट्रिक मेथड मोस्टली हमारे हिल एरियाज पे भी यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें एक हॉरिजॉन्टल भी देखना होता है, इंक्लाइन भी देखना होता है ना, थोड़ा ऐसे को स्टीप में जब जाता है, तो वो चीजें देखने के लिए हमारा टेक्योमेट्रिक मेथड यूज होता है। तो देखो हमने एक ऐसे टेंजेंट बना लिया, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे टेंजेंट बन गया T1B। तो अब देखो हम सबसे पहले इसके बाद क्या लेते होते हैं, हम लेते होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स लीजिए, जैसे कि ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी और ये हमारा सी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमने तीन पॉइंट्स ले लिए जो कि हमारे पैग इंटरवल्स होते हैं। तो अब हम इन्हें ना ज्वाइन कर देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार हम इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दिए, समझो हमने ये सब कॉर्ड्स है ये हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ये सब कॉर्ड्स होते हैं, ये हमारा सब कॉर्ड, ऐसे हमने सारे ज्वाइन कर दिए। अब देखो जो रैंकाइन मेथड होता है ना वो हमारा क्या बोलता है, देखो जो हमारा रैंकाइन मेथड होता है वो हमारा बोलता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द सब कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। जो हमारा एंगल होता है वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, जैसे लेट ये हमारा एंगल हो गया Δ1, ठीक है, ये हमारा Δ1 हो गया। तो और वो क्या बोलता है, देखो हमारा रैंकाइन मेथड, कि अगर आपने ऐसे सेंटर पे जो एंगल हमें सब टेंडेंट निकालना है तो वो क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम जैसे समझो एंगल निकालना हमने, ठीक है, तो समझो ये हमारा थीटा है, ठीक है ना। तो वो बोलता है रैंकाइन मेथड, जो कि हम अपने हर मेथड में यूज करते आ रहे हैं, रैंकाइन मेथड में ज्यादा एक्सप्लेन कराया था, तो उसका प्रिंसिपल ये था कि हमारा जो ये वाला एंगल होता है ना ये इसका डबल होता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो और ये Δ1 है, ठीक है, तो Δ1 इज इक्वल टू, अगर ये थीटा करेंगे ना, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू Δ1 हो जाता है, ठीक है ना, ये एंगल हाफ हो जाता है जो यहाँ पे हम सबटेंड करते हैं, ठीक है। तो उधर से 2 उधर चला जाता है, तो ये हमारा क्या एंगल बन जाता है, 2 Δ1, ठीक है ना। तो आपको पता है ये हमारा 2 Δ1 बन जाता है, चलो ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसमें फर्क क्या है, अब देखो हम फर्क क्या हम वो देखते हैं। देखो अब हमने ना ये तो हमने कर लिया, जैसे कि हमने रैंकाइन मेथड में करा था, हम T1 से लेके B तक एक लॉन्ग कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो A वाली तो देखो सेम ही रहेगी, ठीक है ना, जो अगर हम A पे बनाएंगे तो वो सब कॉर्ड, ये सब कॉर्ड और इसके बीच में ओवर हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसको हम देखते नहीं ज्यादा। तो अब हम देखो T1B तक बनाते हैं हम अपनी एक लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो हमने एक ऐसी लॉन्ग कॉर्ड बनाई T1B तक, ठीक है, ये हमने लॉन्ग कॉर्ड बनाई। अब जो हमारा रैंकाइन मेथड बोलता है ना वो क्या बोलता है, देखो जब हमने एंगल निकालना होता है तो ना हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेल निकलता है, ठीक है, वो हमारा टेंजेंशियल एंगल निकल आता है। और जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो ए पॉइंट से लेते हैं हम, ठीक है, ए पॉइंट से लेते हैं तो वो ऐसा पूरा बनता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम ए की पॉइंट फिक्स रखते हैं, ठीक है ना, ए की पॉइंट ये वाला फिक्स रखेंगे, जैसे हम ये वाला पॉइंट से ले रहे हैं तो ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है ना। तो हम इससे ही इसी पॉइंट से मेजर करेंगे और हमारा ये ऐसे Δ2 निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा Δ2 हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है। तो यही इसमें रैंकाइन और ये हमारा टेक्योमेट्रिक मेथड में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए थोड़ा टेक्योमेट्रिक मेथड ना हमारा कम एक्यूरेसी देता है रैंकाइन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा Δ2 ऐसे हो गया, पॉइंट हमने यही फिक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट ही फिक्स रखेंगे, ठीक है। अब रैंकाइन मेथड हम यहाँ पे भी खड़े होते हैं, फिर यहाँ पे भी खड़े होते हैं, तो वो चीजें इसमें नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से हम सारा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली करके, ठीक है ना, सिमिलरली करके हम T1C भी कर लेते हैं। तो हम T1C, ये हमने ऐसे T1C करा, ये थोड़ा सा हो गया स्वाइप, थोड़ा सा हिल गया, तो हमने ऐसे T1C करा, ठीक है ना।
अब देखो जो हमारा T1C है, तो अब जैसे ही हमने इसमें डेल्टा टू इसमें करा था, ठीक है, तो वैसे ही इसी पॉइंट पे खड़े होके यहाँ पे हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा ये हमारा Δ3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो आपने चेक करी है रैंकन मेथड पे, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने जो ये थीटा, ये Δ2 बनाया है वो हमने ए के बाद बनाया है, यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया है, और जो हमारा Δ3 है वो हमारा कुछ इस तरफ बना है ना, यहाँ से इस तरफ, वो आपने देखा होगा लेक्चर, अगर नहीं देखा तो अभी देख लेना। तो ये ऐसे, ठीक है, अब वैसे सेम यहाँ पे एंगल सबटेंडेड जैसे मैंने आपको बताया जैसे 2Δ1 हुआ, तो देखो एक ही पॉइंट से लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से फुल ऐसे यहाँ पे होएगा, ठीक है ना, तो ये फुल हमारा कितना हो जाएगा 2Δ2, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो एंगल हमारा हो जाएगा वो हमारा 2Δ3, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना कैसे हुआ है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा रैंकाइन के साथ ही मेलजोल है, तो थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत लगे, तो देखो अगर मैं ऊपर करके दिखाऊंगा आपको अच्छे से दिख जाए। देखो हमने एक ही पॉइंट से लिया है सारा, ठीक है ना, ये Δ1 एक इसी पॉइंट पे खड़े हैं, तो Δ2 भी हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं, और ये लॉन्ग कॉर्ड से ले रहे हैं, ठीक है ना, और जो हमारा Δ3 है वो भी हम इसी पॉइंट पे खड़े हैं, और T1C के लिए लिया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एंगल भी एक ही पॉइंट पे खड़े होके यहाँ से पूरा पूरा बन रहा है, ठीक है, ओ से यहाँ से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें फॉर्मुलेस क्या है, देखो टेक्योमेट्रिक मेथड के ना थोड़े से अजीब से फॉर्मुले है, वैसे टेक्योमेट्रिक मेथड देखो आपको एग्जाम्स में नहीं आता, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको टेक्योमेट्रिक मेथड एग्जाम्स में नहीं आएगा, ना इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, ना ये कुछ करना है, लेकिन मेरा तो काम है कि आपको समझाना कि ये होता ही है, ठीक है। फिर भी तो देखो हम शुरू कैसे करते हैं, देखो शुरू हम करेंगे इससे कि हमारे लॉन्ग कॉर्ड क्या होते हैं, देखो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, देखो वी नो लेंथ ऑफ, देखो इसमें ना ही कोई प्रिंसिपल है ना ही कुछ है, बस इसमें यही है कि आपका कि ये रैंकाइन मेथड से ही है, पर रैंकाइन मेथड अलग अलग पॉइंट्स पे देखा जाता है, ये हमारा सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट से होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग कॉर्ड की जो हमारी लेंथ होती है वो क्या होती है, हमने अपने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था 2R sin Δ/2, ये हमने अपने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये एलिमेंट्स में आता है, ठीक है ना, तो इसके नॉर्मल फॉर्मूला। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो नाउ ये तो हमें पता चल गया, ठीक है ना, कि ये 2R sin Δ/2 हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है, ठीक है। इसमें देखो क्या हम लेके चलते हैं, देखो जो T1A है इक्वल टू L1, ठीक है, ये जो T1A है ये हमारी L1 है, ठीक है, ये हमारी L1, ये हमारी L2, ये हमारी L3, देखो ये सारी ना लॉन्ग कॉर्ड्स है, ठीक है, अपने अपने ट्राइंगल के लिए, देखो अपने अपने जगह के लिए सारी लॉन्ग कॉर्ड्स है, ठीक है ना। जैसे T1AO हम इस ट्राइंगल में अगर देखे, वैसे तो ये ऐसे नहीं समझाया जाता, लेकिन मैं आपको अपने अलग मेथड से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आप T1AO में देखो ना, तो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोड तो आपको ये लॉन्ग कोड यही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस कर्व में देखो, देखो T1AO, ट्राइंगल भी छोड़ो आप, ये कर्व में देखो T1AO, देखो मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, देखो T1AO है ना, तो ये देखो ऐसे ही ये जो कर्व ऐसे बना, तो इसमें अगर आप इसमें देखो तो सबसे बड़ी लॉन्ग कोड कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना, L1 ही तो हो जाएगी लॉन्ग कोड। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखो 2R sin 2Δ1/2, ठीक है। हमने जो इसमें एंगल होते हैं सबटेंडेड एट ओ होता है, ये आपको पता है ना, सबटेंडेड एट ओ होता है, ठीक है ना, सबटेंडेड एट ओ होता है, तो ओ पे हमारा 2Δ1 है, ठीक है ना, ये आपको पता है, तो 2Δ1 हमने ऐसे लिख दिया, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2R sin Δ1, ठीक है ना। तो ये आपका T1A जो कि हमारी लेंथ ऑफ L1 है, ठीक है ना, T1A जो हमारी लेंथ ऑफ L1 है उसका ही फॉर्मूला लिख रहा है। तो ऐसे सिमिलरली देखो अब हम देखेंगे किस कर्व में देखेंगे, देखो T1BO, अगर आप देखो T1BO वाले में कर्व में देखो, देखो ऐसे T1BO ये ऐसे ऐसे बन रहा है कर्व, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। तो इसमें आप देखो सबसे बड़ी लॉन्ग कॉर्ड कौन सी हमारी, यही तो है T1B, है ना, यही लॉन्ग कॉर्ड होगी ना, तो वैसे सेम इसमें होगा। अब आप T1CO में देखो तो उसमें हमारी लॉन्ग कॉर्ड ये हो जाएगी, ऐसी डी आएगा, ऐसी ई आएगा, जैसे एफ आएगा, तो ये एनए टर्म तक तो जाएगा, ये आपको पता है, तो मतलब ये हमें एनए तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली की L2 इज इक्वल टू T1B, जो हमारा T1B है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R sin Δ2, और मतलब L3 हो जाएगा जो हमारा T1C है वो क्या हो जाएगा 2R sin Δ3, ठीक है। अब देखो जो हमारा सबसे nth होता है वो तो आपको पता ही है, जो हमारा nth होएगा वो हमारा T1 से लेके T2 तक होएगा ना, जैसे T1 है पॉइंट ऑफ कर्व होता है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक ही होएगा, PT तक, ठीक है ना। तो वो जो हमारा होएगा वो हमारा T1 T2
T2 जो हमारी लेंथ होगी, ठीक है, क्या होगी हमारी LN, वो हमारी बन जाएगा 2R sin delta n। n सिर्फ यहीं पे आएगा, देखो R कांस्टेंट है, 2 2 कांस्टेंट है, साइन भी फर्क पड़ रहा है, देखो साइन डेल्टा 1 साइन डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो वैसे ये डेल्टा 4, ठीक है ना। तो ये था हमारा फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एंड फॉर्मूला नहीं है, कहीं आप सोचो ये हमारा एंड फॉर्मूला नहीं, ये तो सिर्फ एक लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए। अब हमने देखो ये लेंथ तो निकाल ली, ठीक है। अब जो हमारा टैक्योमेट्रिक मेथड होता है ना, उसमें हमें क्या निकालनी होती है, रिस्पेक्टिव स्टाफ इंटरसेप्ट निकालनी होती है। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होती है, देखो जो हमारी ना ये जो हमारे पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ से ये स्टाफ इंटरसेप्ट हमें ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये कर्व में, ठीक है, ये इंक्लाइन भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना, इंक्लाइन कर्व, जैसे कि आप हाईवे वगैरह पे देखते हो, तो हाईवे वगैरह पे जो हमारे कर्व होता है वो कभी कभी ऐसे इंक्लाइन करता जाता है ना, ये आपको पता है। तो हमें जैसे हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो हमें देखना होता है कि इस साइड पे क्या कर्व होएगा, ठीक है, और इस साइड पे क्या कर्व होएगा, ठीक है ना। ये इंक्लाइन ऐसे कर रहा है, तो ये ऐसे डेल्टा हो जाएगा उस कर्व में, ठीक है ना। तो वो कैसे होएगा, उसके हमारे दो फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको देखो लिखवाता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया ना। तो आपने ऐसे लेंथ तो निकाल ली, ठीक है, अब हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, देखो स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, देखो स्टाफ इंटरसेप्ट हमारे होते हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट हमारे जैसे S1 S2 SN तक ही चलेगा, डी एन टर्म तक लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये S1 S2 S3 S4 ऐसे आपका ये सारा स्टाफ इंटरसेप्ट चलेंगे, ठीक है ना। तो वो निकालने के लिए देखो हमारा फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, देखो L = F/I S + F + D, ठीक है। अब इसमें देखो F होता है हमारा फोकस, ठीक है ना, I हमारा नंबर हो गया, कितने हमारे इंटरसेप्ट निकल रहे हैं, 1 2 3 4, और हमारा जो इसमें S तो हमारा आपको पता है इंटरसेप्ट ही हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट, और हमारा जो D होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है। लेंथ हमें पता है, ठीक है ना, लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, लेंथ हमें इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। लेंथ हमारी निकल गई, तो ये सबको आपको पता ही दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो सिर्फ हमें यहाँ से स्टाफ इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है ना। तो जो ये वाला फॉर्मूला ना हमारा, तो ये हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, ये हमारा होता है जो वेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम नॉर्मली कर्व बना रहे हैं, ठीक है, जैसे समझो ये हमारा ऐसे कर्व है, ठीक है, ऐसे हमने कर्व बनाया, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, एक हमारी ये साइड जाएगी, एक हमारी इंक्लाइन जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है ना, फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला, ये हमने इस लाइन ऑफ साइट के लिए निकाला है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल इस लाइन ऑफ साइट के लिए निकाला है। अब हम देखो इंक्लाइन के लिए भी निकालेंगे, तो इंक्लाइन में हमारा एंगल देखो थीटा होगा, हमें क्या पता क्या एंगल है, तो हम थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा आएगा, हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा हमारा, देखो L = इससे मिलता जुलता है, देखो F/I S cos²θ + F+D cos θ, ठीक है ना। तो देखो इंक्लाइन हो गया ना, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, वेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन, ठीक है ना। तो ये इंक्लाइन हुआ है, इसलिए इसमें थीटा आ गया, ठीक है, थीटा इंक्लाइन पे आएगा ना, क्योंकि एंगल आ गया, कोई ऐसे बन रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या होता है हमारा ऐसे राइज होता हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा हमारा ये टैक्योमेट्रिक मेथड था, ठीक है ना, बस इतना ही है हमारा टैक्योमेट्रिक मेथड। ये हमारा कहीं यूज नहीं होता, अगर मैं वैसे सही बताऊँ ना, ये हमारा यूज नहीं होता, ना आपको एग्जाम में ज्यादा आएगा, ना आपको प्रैक्टिकल इस पे करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही हमारा एक सिंपल हमने सॉल्व करना था, हमने मैंने करके दिखा दिया। अगर आपको बेशक कोई आपको कोई क्वेश्चन आया था तो आपको करना आना बस चाहिए, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एक सिंपल कर्व्स का पूरा चैप्टर, मतलब पूरा टॉपिक सिंपल कर्व्स हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे सिविल इंसाइट के बारे जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।